लोकसभा चुनाव को सुचितापूर्वक संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विसिल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति मतदाता ऑनलाइन कंप्लेन नोट करा सकता है। इसके अलावा इसमें बूथों की स्थिति और लोकेशन भी पता कर सकते हैं, जिससे असामाजिक तत्वों पर भी लगाम लग सकेगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च किए गए इस ऐप की जानकारी के लिए जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसमें एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में जिलाधिकारी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप के बारे में जानकारी दी गई। वो अगर अपलोड कर देते हैं इस ऐप के जरिए, जो कि उनके लिए भी ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है ACI की तरफ से, कि वो हमारी इन्वेस्टिगेटर टीम है, जो भी कोई एप्लीकेशन किसी सिटीजन के द्वारा सी विजिल में अपलोड की गई है, विद इन 5 में जो कंट्रोल रूम बना है उससे मार्क होना है उस पर्टिकुलर फ्लाइंग स्क्वाड टीम को, और फ्लाइंग स्क्वाड टीम को जैसे ही यहाँ से मार्किंग होगी उनके पास जो है कि आपको पता चलेगा किस पर्टिकुलर प्लेस का ये किसी ने कंप्लेन करी है, तो आपको वहाँ पर तुरंत पहुँचना भी होगा। तो फ्लाइंग स्क्वाड टीम वहाँ पर उसी GPS लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुँचेगी। उसके लिए इस ऐप में के जरिए 15 मिनट दिए गए हैं कि 15 मिनट में वो वहाँ पहुँचेगी, और नेक्स्ट 30 मिनट्स उनको इसलिए दिए गए हैं कि वो अपना इन्वेस्टिगेशन करें। हैं जिस प्रकार से आप हम लोगों को टीम्स के डिटेल्स देंगे तो उनको ऐड किया जाएगा, और उसी प्रकार से उनको भी मैसेजेस किए जाएंगे अगर वो उस लोकेशन से संबंधित, उसको इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 50 मिनट्स है, वो सारा ऐप में ही उनको रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आप अपनी रिपोर्ट डाल दीजिए, जो भी आपको लगता है आपने जो भी जांच करी है उसकी आख्या, एक सेंटेंस दो सही चाहे तो वो बैठा सकते हैं, क्योंकि ARO's कई बार बहुत बिजी रहे थे, तो वो चाहे तो ऑनलाइन अपना वेब से भी वो अपना उसको देख सकते हैं। उनके लिए सबके लिए यूज़र IDs ARO के ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, यूज़र ID में उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और उनको फिर जैसे ही वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे उनके पास एक OTP आएगा, वो OTP उनके ईमेल ID पर भी आएगा, जो कि रजिस्टर्ड ईमेल ID है, जो कि हमारा मोस्टली अगर हमारे SDMs हैं तो SDM GOR-DASH उनकी सदर तहसील सदर है तो sadar@nic.in है। इसी प्रकार से कैंपियरगंज रहेगा तो SDM GOR-CAMPIERGANJ@nic.in। ये आपके जो गवर्नमेंट के ईमेल IDs हैं वो ईमेल IDs डाले गए हैं, उस पर भी OTP आएगा, और वो उस OTP के बेस पर उनको नेक्स्ट 50 मिनट्स 50 मिनट दिए उनके पास रहेंगे कि जो भी हमारी FST टीम ने जो भी जांच की है वो जांच सही है तो वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। उनको लगता है कि नहीं इसमें फर्दर और कुछ जांच ज़रूरी है तो ऐसे केस को वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, और वो फॉरवर्ड होकर GCC पे चली जाएगी। GCC के मतलब है कि वो NGRS पर हमारे वो कंप्लेंट चली जाएगी, जो हमारा 24 आवर्स में उसका निस्तारण होना ही है। सी विजिल में जो हमारा निस्तारण है वो 100 मिनट का निस्तारण है, और उसके लिए ये इस तरह से टाइमलाइंस फिक्स किए गए हैं। ये हमारे टाइमलाइंस दिए हुए हैं 100 मिनट्स के, कि कोई भी सिटीजन है उसने 5 मिनट में अपनी एप्लीकेशन कंप्लेंट डाली है, उसके नेक्स्ट 5 मिनट्स में हमारा जो कंट्रोल रूम है वो उसको कंट्रोल रूम उसको चेक करेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा। करेंटली वीडियो होना चाहिए, वो विद इन 5 मिनट्स अपलोड करेंगे उस वीडियो को या फोटो को। जैसे ही वो वीडियो अपलोड करेंगे या फोटो अपलोड करेंगे या आप उस अलर्ट के जरिए आप देखेंगे कि ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है, आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के टाइम स्क्वाड टीम को आप फॉरवर्ड कर देंगे। आप ARO's में ऑलरेडी हमारा ये सिस्टम बना हुआ है कि जो भी कंप्लेंट आती है वो विद इन 24 आवर्स हमारे उसको ऐप्स दिए हुए हैं, जो हमारे सिटीजन के लिए वो सिटीजन ऐप के नाम से रहेगा, जो हमारा सीरियल सिटीजन कर भी रहेगा, और जो हमारे डाउनलोड करना होगा उनका काम है इन्वेस्टिगेटर टीम का हमारा, कि जो भी कंप्लेंट उनके पास में आई है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्रोसीजर है जिसकी जरिए आपको DCC तक पहुँच गया है, तो DCC के आपके पास पेंडिंग में दिखाएगा, आप जब DCC में लॉगिन करेंगे। अच्छा, उसको भी कुछ प्रॉब्लम होगी बोलो।
इसके लिए सभी ने बताया है कि सबके पास स्मार्टफोन एंड्रॉइड होना चाहिए बच्चे पहले बार चुनाव आयोग ने इसको यूज कर रहे हैं। अब इसको मॉनिटरिंग हर लेवल पे हो रहा है, यानी जो नीचे जनता लोग पहले तो हर जगह शिकायत तो फोन के जरिए से हमें शिकायत करते हैं, नहीं तो कहीं आयोग पर करते हैं, नहीं तो किसी को करते हैं, पुलिस स्टेशन करके किसी करते हैं। अभी ऐसे नहीं है, अभी तो ये शिकायत शिकायत करता है, ये ऐप डाउनलोड कर देगा अपने घर के आसपास, मान लो पोस्टर भी कोई गलत तरीके से लगा दिया, आचार संहिता का उल्लंघन है, नहीं तो कोई प्रचार प्रसार कर रहा तो विदाउट परमिशन, वो नहीं तो बड़े भीड़ है कहीं मीटिंग है, कोई शराब बांट रहा हो, कोई पैसा बांट रहा हो, जो भी आचार संहिता का उल्लंघन मामला है तुरंत वो फोटो खींच के वीडियो खींच के इसी पर डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग का टाइम शुरू हो जाता है वहाँ से 100 मिनट का अंदर हमें निस्तार करना, 100 मिनट यानी तो मुश्किल से 2.5 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के अंदर उसको 1.5 घंटे के अंदर उसका निस्तारण होना है। अब आपका जो गाड़ी किस गाड़ी में घूमते हैं, सारे गाड़ी में GPS है, पता है कि नहीं आप लोगों को, ये भी नहीं पता होगा। अब देखिए हम लोग लास्ट फेज में ऐसे नहीं, अब आप सोचे रहे ताकि इसलिए आपको बुलाया है, 10 शिकायत इस पर दर्ज हुआ, कोई भी इसको देखा भी नहीं, अटेंड भी नहीं किया है, घूमते देखा है तो पता चला तो कोई भी तो देखने वाले नहीं, वो स्ट्रेस करके कमीशन में चला गया। जो शिकायत है गलत तो सही है जो भी चीज़ है, पर कोई किसी को भी नजर नहीं आया इस पर चीज़ें, तो फिर हम लोग करते क्या है इसको? आप लोग भी तो 10 दिन हो गया होंगे, 15 दिन हो गया होगा आप लोग काम कर रहे होंगे, आप लोग इस पर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। अब देखिए जो आपके गाड़ी में भी GPS लगी हुई है उसको भी तो कमीशन ने देख रही है, आप कितने जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट घर पे सोते रहे हैं, इधर लोग फील्ड में है, इधर लोग आटा देने के काम कर रहे हैं, सब लोग डेटा अभी कमीशन के पास है, ये सीरियस बिजनेस है ना। इसको तो हम भी देखते हैं, कमीशन भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, CEO सब लखनऊ में देखते हैं, इसलिए आपका 8 घंटे साथ इसलिए दी गई है, 8 घंटे से ज्यादा आप लोग भी काम नहीं कर पाओगे, इसलिए 27 लोग लगे हुए हैं, एक विधानसभा में 3 टीम है 8-8 घंटे का टीम, आप लोग का यही जिम्मेदारी ताकि फर्स्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्स में आप ही लोग रहते हो, यानी जो मान लीजिए कोई आचार संहिता का उल्लंघन जो व्यक्ति फोन से अपलोड कर, मान लो मैं कचहरी में बैठ के कर रहा हूँ, ये चले जाता है अचान निशान वहाँ चले जाता है, फिर उसके बाद वो देखते हैं कौन सी सेक्टर मजिस्ट्रेट पास है, अपने गाड़ी से वो पहचान लेंगे कौन सेक्टर मजिस्ट्रेट बगल में, फिर कंट्रोल रूम से उनको पता चलता है कौन है, आपको फॉरवर्ड होता है। मान लीजिए आप कचहरी में कोई आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, आप कहीं तो मान लीजिए तो यहाँ फंस गई है, तो बगल वाले कमिश्नरी में कहीं आपका गाड़ी खड़ी है, नहीं तो यहाँ आसपास कहीं है गाड़ी खड़ी है, आपका सूचना आपको मोबाइल के जरिए से अलर्ट मैसेज में आ जाएगा, आपका आपको तो टाइम भी आ जाता है, ये आपका लॉगिन है, ये शिकायत है, बस केवल लिंक आता है, क्लिक करने में इस पर पहुँच जाते हैं इसी साइट पर, फिर उस पर शिकायत पढ़ने में आता है, फलाना व्यक्ति फोटो भेजा है, फलाना व्यक्ति वीडियो भेजा है, क्या लिखा है, कौन शिकायत करता है, उनका नंबर क्या है, तुरंत आपको फिर 1.5 घंटे के अंदर गाड़ी लेके वहाँ पहुँचना होगा, ताकि उनका संपर्क नंबर भी रहता है उसमें, पता भी रहता है, वो अचान निचान आप गाड़ी से भी देख सकते हैं कौन सी जगह पे है। आप यदि तो मोबाइल इनेबल करोगे आपके गाड़ी के जरिए से भी आप जा सकते हैं, GPS ट्रैकर लगा कर कौन सी जगह, पहुँचने के बाद 1.5 घंटे के अंदर यदि आप जाँच पड़ताल करोगे, आपका लगता है वो बात सत्य है सही है, फिर उसको कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएंगे, हाँ ये तो इन आदमी ने बताया है उसी हिसाब से हम उल्लंघन हो रहा है, फिर आप तुरंत आप कार्रवाई करेंगे, कंसर्न जो थाने वाले से बात करेंगे, कंसर्न आरओ से बात करेंगे, एआरओ से बात करेंगे, टीम पहुंच करके जो भी कार्रवाई होना है वो हो जाएगा। यदि मान लीजिए तो शिकायत झूठी है फिर वही क्लोज करेंगे ना, इतनी से झूठी शिकायत है इसको कोई बल नहीं, वहीं से करेंगे, ये होना है, ये होना है 100 मिनट के अंदर होना है।